कैसे हैं आप लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी नवरात्रि टू यू ऑल। और मैं दुर्गेश मिश्रा फिर से स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल दिल्ली नगर, जहां मैं आपको लेके चलने वाला हूं एक ऐसे सफर पे जहां हम जाने वाले हैं दिल्ली की यूनिक और अमेजिंग फूड शॉप पे। तो आज इसी तलाश में जाने वाले हैं राजू चूर चूर नान वाले के पास, जो है सेक्टर 11। कहा जाता है कि दुकान 1997 से है, मीन्स 2017 में इनके 20 साल पूरे हो चुके हैं। और इनके चूर चूर नान इतने ज़्यादा फेमस है कि रेडी पे होने के बावजूद भी लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। सारा खेल इनकी क्वालिटी का है। ये अपने एक खाने में अमूल बटर का यूज़ करते हैं, बहुत ही यूनिक तरीके से अपने नानों को बनाते हैं। इनके नानों में लच्छे पराठे की तरह ट्रिपल लेयर्स होते हैं, जिनके अंदर ड्राई फ्रूट और पनीर की फिलिंग होती है, जो इसे अलग बनाती है दूसरे नानों से। तो इनकी क्वालिटी और हाइजीन के लिए लोग बहुत दूर से इनके पास आते हैं। तो चलिए आज देखते हैं कि इनके नान कैसे हैं। सो लेट्स गो। काजू नान तैयार है और मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। तो सबसे पहले नज़र मारते हैं इस नान पे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इस नान को इस तरीके से अच्छे पराठे की तरह बनाया गया है, जिसमें बहुत ट्रिपल लेयर्स है। आई एम वांट टू टेस्ट इट। पनीर इज ऑल्सो रियली वेरी गुड। और नान में ड्राई फ्रूट डाल रखे हैं, काजू किशमिश डाल रखे हैं और जो लेयर है उसमें पनीर प्रोवाइड कर रखा है बीच में। और मैं आपने भी फोकस ऑन कैमरा डाल रखी हूँ। दाल मखनी दिखाना चाहूँगा, जो कैदून दाल मखनी होती है, दाल मखनी वैसी नहीं है। इन दाल मखनी में अमूल क्रीम, पनीर के पीसेस और घी डाला गया। सो 120 रुपीज़ की प्लेट है, द्वारका सेक्टर 11 में ही शॉप है। तो अगर आप उसी द्वारका आते हैं तो यहाँ ज़रूर आइए, ढोका 5 मिनट हो यहाँ का नान खाइए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको यहाँ के नान कैसे। टिल देन टेक केयर। तो आपको यहाँ के नान कैसे लगते हैं? यहाँ के नान वेल, आप मुझसे पूछने की बजाय एक बार भी देख लो, पता चल जाएगा आपको कैसे लगते हैं। दिस प्लेस इज वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग प्लेस। द्वारका में लोग बहुत दूर दूर से आते हैं और एक्चुअली में इंजॉय करते हैं वो लोग। यहाँ के नान मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं, हाइजीन वाइज और क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छे हैं, और स्पेशली इनका रायता बहुत अच्छा है। तो क्वालिटी की वजह से हम इतनी दूर, ये चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करती है। टेस्ट है जो हमेशा से मेंटेन रहता है। तो आप यहाँ कब से आ रहे हैं? हाँ भैया, आपसे ही करा रहा हूँ। स्कूल से? स्कूल टाइम से। मेरी ग्रेजुएशन हो चुकी है, मास्टर्स कर रहा हूँ। इट्स लाइक 5-6 ईयर्स। 3-4 साल से मैं अपने दोस्तों के साथ आता हूँ यहाँ पे, और जब भी कॉलेज की छुट्टी होती है उसके बाद भी हम यहीं पर आते हैं, क्योंकि इनका स्पेशल नान बहुत। थैंक यू।